काउंसिल बटाला की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात बटाला के बस अड्डे के नज़दीक पड़ते बाजार में करीब 80 दुकानों के बाहर दुकानदारों की तरफ से किए गए नाजायज कब्जों को गिरा दिया गया, जिसको लेकर सुबह दुकानदारों ने सरकार और बटाला नगर काउंसिल के ईओ के खिलाफ चक्का जाम करके रोष प्रदर्शन शुरू किया, जो अभी तक जारी है। रोष प्रदर्शन में नगर काउंसिल के अध्यक्ष नरेश महाजन और कांग्रेस के बटाला से पूर्व विधायक अश्विनी शेखड़ी भी अपनी सरकार और नगर काउंसिल के ईओ के खिलाफ दुकानदारों के समर्थन में उतरे। इस मौके पर अश्विनी शेखड़ी ने बताया कि सरकार के एक बड़े मंत्री की शह पर जानबूझकर बटाला के लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहीं नगर काउंसिल के अध्यक्ष नरेश महाजन का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस और नगर काउंसिल के ईओ के साथ बैठक कर दुकानदारों का समझौता करवा दिया गया था कि कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी नगर काउंसिल के अध्यक्ष को बिना बताए इस कार्रवाई को नाजायज तौर पर अंजाम दिया गया। वहीं दुकानदारों का कहना था कि नगर काउंसिल के द्वारा उनके साथ नाजायज तौर पर धक्केशाही की गई है। उनका कहना था कि नगर काउंसिल ने उनको बिना कोई नोटिस दिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जो सरासर नाइंसाफी है। कल मीटिंग हुई अंकल जी, अंकल जी सानू बड़े प्यार नाल समझाया कि तुहाडा मैं मसला हल करांगा, ठीक है जी, तुहाडा मसला हल करांगा। और इन्होंने बहुत सोहना किया भी, इन्हों के आसरे असीं अपने घर जाके सुते हैं, पर लेकिन जिहड़ा सवेरे साडे नाल धक्का होया वह बहुत गलत होया। और इच अंकल भी बिल्कुल साडे नाल सीगे। इह जिहड़ा धरना वा जां तुहाडा नुकसान होया, तुसीं की समझदे किन्नी देर तक इह धरना चलदा रहेगा? इह धरना जद तक चलूगा जद तक साडा नुकसान कोई भरपाई नहीं करूगा जी। देखो मैं समझदा पिआ कि बहुत वड्डी साजिश हो रही है कि बटाले शहर से कांग्रेस 26,000 से जीती है पिछले पार्लियामेंट, और इस साजिश में ईओ जड़ा वा खास तौर पर यह शामिल है, और पिछे वड़े वड़े लोग ने, और वड़े वड़े लोग चाहते हैं कि इन्ना बटाले में अफड़ा तफरी बगा दो बचा दो कि बटाले लोग कांग्रेस वोटा ना पाड़। असी ये होर नहीं देना, असी लोग इकट्ठे हाँ, मैं शहर के हर दुख दर्द नाल खलोता। अज दुकानदारों की दुकाना ढाई, आप सारे इतने कांग्रेस पार्टी टोटल इतने आई। पहले असी कांग्रेस पार्टी ने 8 दिन धरना दिता से, कदम नहीं दिता कि बटाले को असी बचाना है। वो जरा ईओ है ये जरा शरारती बंदा है, और ये बंदे ने जान बुझ के अज बिना किसी नोटिस तो दुकानदारों की दुकाना ढाइया। असी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, और असी उन्होंने खिलाफ़ FIR मंग रखी है। ईओ के खिलाफ FIR होनी चाहिए है, जरा उन्हें धक्का किया खिलाफ़ FIR होनी चाहिए। ईओ सरकारी अधिकारी है तो सरकार तुहाडी पार्टी की है, कितना कितना लगता नहीं भी ईओ इस तरह की कार्रवाई कर सकता सरकार तो बिना? एक गुंडा जरा वा सरकार च आ गया, सब तो वड्डा गुंडा बटाले का उही है ईओ, और वह बदमाश आदमी ने दसिया इतने स्टेज पर नशे नुशे करता रहा, नशे के हालात उन्हें काम किया, ऑर्डर पास किया होना, सवेरे 4 बजे दुकाना तोड़न का मतलब है। एक ईओ की इन्नी पावर हैगी है कि सरकार ने भी अनदेखा करके एडा वड्डा काम करे? मैं कह रहा साजिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे बटाले के। क्यों फिर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? आप सरकार को कार्रवाई कराने लिए खड़े हैं ना इतने सारे जने, ये अफसर जड़े ने इतने कमिश्नर खान आते हैं, सवाए लुट तो इन्हों का कोई काम नहीं, कोई शहर का काम नहीं करते पे, और जान बुझ के बटाले शहर के निवासियों को तंग किया जा रहा है जान बुझ के। सरकारी तंत्र का ताना बना इस तरह का वा कि कोई भी अधिकारी सरकार तो बिना कोई कदम नहीं चक सकता, की कारण है ईओ इस तरह के कदम क्यों चक रहा? सरकार भी तुहाडी आ। मैं तो दस्या ना साजिश कर रहा जी, इस तरह की साजिश हो रही है। साजिश यह कर रहा कि पार्लियामेंट चुनाव आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करता जाए ताकि कांग्रेस पार्टी बटाले जो वोटा वाद ना लै सके, और वोटा नहीं लेगी तो सारी जिम्मेवारी जी साड़ी। मैं कह रहा कि एक तो मंत्री लगा इस काम लिए जरा सू बटाले सुखी वास्ता देखना नहीं चाहता। अगे तो यही रहेगा, हम क्या चाहते हैं, जोर की आवाज करनी चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ मंगना, देखो गल सुनो, अपना ही सुप्रीम कोर्ट है, उत्थे भी इंसाफ ले जाने, अपने ही कोर्ट ने, अपने ही थाने ने, जनता चाहती इंसाफ लैन, ये धक्का कर रहे असीं खिलाफ। हाँ देखो कल ये संबंध कुछ लोग आए सी जिदे च बस स्टैंड के आस पास के लोग सी, उहदे च अमरजीत सिंह इंस्पैक्टर इन्हों लैके आया मेरे को, और अमरजीत सिंह इंस्पैक्टर के नाल ट्रैफिक इंचार्ज सीगे, उत्थे बैठ के बड़ा सोहना प्रिंसीपली और यूनानीमसली फैसला हो गया तो कोई तोड़ भर नहीं की जाएगी इस तरीके नाल। इन्हां नूं 3 फुट तक इन्होंने मंग की भी सानू 3 फुट तो अहीं गांह नहीं आवांगे, दुकानदारां ने
और 3 फुट तो अगे अं ना कोई दुकान लावे तो ना कोई अही उपर कपड़ा टंगागे जिंदा लोगों को परेशानी हो 3 फुट के शेड का 4-5 फुट तक वध रख के इंस्पैक्टर और ट्रैफिक इंचार्ज कमेटी होम इंस्पैक्टर अमरजीत सिंह ने जरूर गल कही है कि मैनू जी और बार बार ऑर्डर आ भी इदा इन्होंने ढाया जाए मैं ढाण की बजाय इन्हों की मीटिंग की जाए जिस तरीके इन्हों की मीटिंग अज हुई है और उस मीटिंग च प्रिंसीपल ही फैसला हो चुका सी भी इनू तोड़िया नहीं जाऊगा और इन्हों की मीटिंग इस तरीके बाकी दुकानदारों की भी करके इन्हों सही दिशा दे के ट्रैफिक इनक्रोचमेंट जी हटा दी जाए इनक्रोचमेंट हटाने के उत्तों मैं कोई ग्रेज नहीं कहता भी इनक्रोचमेंट जी फालतू हटनी चाहिए मैं इस गल का हक जा मैं इस गल के खिलाफ नहीं हाँ पर जी नजायज तरीके बिना किसी कारण किसी ना गलबात की मीटिंग की बगैर तोड़बंद करना ये गलत है ये लोगों जान बुझ के मैं समझना कि प्रशासन समय महसूस करता भी जान बुझ के कमेटी का इन लोगों शहर अगे ही मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही जिन्हों तो शहर के अगे लोग दुखी ने यह नजायज तरीके ये व्यवहार जिहड़ा कीता गया किसी भी व्यक्ति वालों क्योंकि जिस व्यक्ति वालों भी कीता गया सरकार ने समझ लेना चाहिए कि बटाले के हालात को नाजुक दौर च ना बचाण बिल्कुल मेरी बिना सहमति तो है और मैं सहमति तो बगैर ही नहीं फरूट वाले इतने खड़े होने ने इन्हों से पुछो भी कल मेरे नाल इन्हों का की फैसला कराया गया और मेरे को फिर जो लिया ही गया फैसला करा के तो फिर तोड़फड़ करने की लोड़ सी एन स्टार न्यूज़ के लिए कादियां से मुनीरा सलाम की रिपोर्ट।